एवेंजलिस्ट मधु भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे यहाँ इनको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। हालेलुया। एक हमारी और भी कुछ बच्चे हैं जो कि हमारी गाड़ी सामने बिल्कुल दिख रही है आपको। एक विजय जी जा रहे हैं बनूर से जो अपनी गाड़ी को लेकर, उसमें भी कुछ बच्चे हैं हमारे। सही सलामत हमें यहाँ पे जो कि ये जियोलॉजिकल पार्क है, सभी टीम के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और सभी बहुत आनंदित हैं। खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। और अनुज अपना व्यूज देंगे यहाँ पे कुछ। आज बहुत अच्छा का धन्यवाद करता हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ जिनके मन में हमें और हम सब बच्चे जो मतलब लाए हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और हम सब बहुत आनंदित हैं। सब आनंदित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वहाँ सामने देख सकते हैं हम वट में एक डियर है जो कि अपना चारा चर रही है। देखिए खुदा की कितनी अच्छी क्रिएशन, दो आ गए हैं वहाँ पे, दो देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर प्राणी। हालेलुया। धन्यवाद खुदा उनका, अद्भुत क्रिएशन परमेश्वर की, बहुत ही अद्भुत क्रिएशन। आप देख सकते हैं एक टाइगर जो कि बिल्कुल हमारे सामने है और हम इसको बिल्कुल नज़दीक से देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत क्रिएशन है, कितना अच्छी बॉडी, कितना बहुत ही लेशदार बॉडी उसकी और कितने रोब से चल रहा है वो। और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल माना जाता है। और देखिए कितना ही, कितनी इसकी चाल में ही देखिए कितना वो एकदम है, कैसे चल रहा है ये जानवर। आप पिंकल जो फुहारे हैं वो लगाए गए हैं ताकि इसको किसी भी प्रकार की रहने में दिक्कत नहीं हो। आपको कैसा लग रहा है? जू में बहुत ही आनंदित हैं हम और दिया हमें परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की ही योजना थी, कोई ऐसे प्लानिंग नहीं थी, लेकिन प्रभु के दास के मन में परमेश्वर ने डाला कि बच्चों को जो जू में है, हमारे चर्च में जितने भी बच्चे रहते हैं वो जू में घूम कर आए। तो आज हम इन बच्चों के साथ एक हमारा कॉमन ट्रिप बना और हम यहाँ पे चर्च में आए, चर्च से यहाँ पे आए और यहाँ पे थोड़ा ही घूमे हैं। कुछ जानवर देखे हैं हमने और बहुत ही सुंदर जानवर हैं, कि बहुत ही अद्भुत जो सृष्टि रची है परमेश्वर ने, उसमें पेड़ पौधे देख सकते हैं आप, बहुत से जानवर देख सकते हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। और इसके हमें इन जानवरों को देख के और इन पेड़ पौधे या प्रकृति को देख के या इस नेचर को देख के बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसे ना हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, जैसे प्रेयर मीटिंग होती हैं, पूरा वीक हम बिजी होते हैं, तो
बड़ी मुश्किल से हमें ये टाइम मिला। और बिल्कुल देख सकते हैं कि सातों दिन और 24 घंटे ही प्रेयर चल रही है और लोगों रूहों को बचाने का कार्य चल रहा है, समाचार का कार्य चल रहा है। लेकिन उस समय में से कुछ समय निकाल कर हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे एक कॉमन सभी जगह सभी जितने भी जन हैं हमारे चर्च के बच्चे हैं, उसमें वॉलंटियर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वो सारे के सारे एक बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ एक मन होके यहाँ पे घूम रहे हैं और सभी बहुत आनंदित हैं। और कुछ आप देख सकते हैं कि टीम के वॉलंटियर्स चर्च के वॉलंटियर वो आ रहे हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम परमेश्वर की योजना ही थी कि हम 24 घंटे और सातों दिन परमेश्वर के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन उस समय में से कुछ समय निकाल कर चर्च के बच्चे और कुछ और जो हमारे चर्च के लीडर्स हैं वो यहाँ पे आए और आज हम यहाँ पे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंजरस कृति बनी हुई है कैमरे के साथ आगे दिखाएंगे। और ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और मूवमेंट कर रहा है ये, और उस तरफ देख सकते हैं डायनो पार्क जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी को भी देख सकते हैं आप। गाड़ी देखिए कितनी शानदार गाड़ी खड़ी है इस पार्क के अंदर, और लैंड क्रूजर खड़ा रखी है इन्होंने। आगे चलेंगे हम, एक बार फिर से इसकी तरफ बैक से भी दिखाएंगे इसको। ये मॉन्स्टर दिखाया गया था इसको बैक से भी दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखा रहे हैं हम जो हमारी डायनो पार्क की गाड़ी खड़ी है, एक लैंड क्रूजर खड़ा रखी है, ये कंकाल देख सकते हैं आप जो कि डायनासोर का कंकाल दिखाया गया है। ये भाई जो इस पार्क की देखभाल करते हैं, ये केयर टेकर हैं यहाँ के जो कि पूरी तरह से देखभाल करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम एक वॉच टावर बहुत ही शानदार बना हुआ है जिसके
बारिश का मजा लेते हुए सभी बच्चे बहुत ही आनंद से भरे हुए बारिश का मजा लेते हुए, ये आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। डोर बना रखा है इसका, चेन्स का डोर बना रखा है आयरन की। ये बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को तोड़ के हम प्रभु यीशु की संतान जो बंधनों को तोड़ते हैं। जी आप देख सकते हैं हम बहुत से जानवर जो अपने अपने नेस्ट में बैठे हैं, बहुत अलग अलग तरह के पक्षी हैं ये, उनके बारे में जानेंगे। उनके हर एक जो चीज़ है उसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ है। और जो वो फेवरेट और यहाँ कुलविंदर जी भी कुछ बताएंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आकर। बहुत आनंद आ गया भैया, कुलविंदर जी भी बहुत आनंदित हैं। एंजॉय कर रही हैं, पानी के अंदर नहा रही हैं, खा रही हैं, पूरे आनंदित हैं। और एक डग बाहर बैठी है, शायद नाराज है इन दोनों से, पता नहीं क्यों नाराज है, बाहर क्यों नाराज हो रही है इनसे, गुस्से में है। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर का। प्रभु यीशु की हजूरी में आज हम यहाँ सभी कलीसिया के एक एक जन यहाँ मौजूद है, जो कि पास्टर जी की हजूरी में यहाँ पे हम अगुवाई में यहाँ पे आए हैं। जू में छतवीट जियोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हैं और सभी बच्चों से हम व्यूज लेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे अनुभव किया सारा। और पास्टर जी से पहले पूछेंगे हम, पास्टर जी आपको यहाँ आके कैसा लगा? मुझे बहुत आके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ है मैं सीखी, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी आज हमारे साथ यूथ नौजवान और हमारे इवेंजलिस्ट आज मेरे साथ आए हैं यहाँ पर, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने इनके बिजी शेड्यूल, हमारे बिजी शेड्यूल में से हमें एक परमिशन मिली कि कुछ समय हम बच्चों के साथ आकर एक इंजॉयमेंट करें। और यहाँ पर हम जब आए हैं यहाँ पर इस जगह पर, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं उसकी क्रिएशन के लिए कि खुदा ने सच में एक एक चीज़ को बनाया, जैसे उत्पत्ति में लिखा है उसने हर एक चीज़ को बनाया और कहा अच्छा है। तो आज हमने वो चीज़ों को जब देखा, वो प्राणियों को देखा, वो जानवरों को देखा, सच में हम बता सकते हैं कि ये जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई है ये हमारी इमेजिनेशन से परे है। सोचो अलग अलग जानवरों में अलग अलग रंग, उनका अलग अलग साइज, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग चीज़ें वो खाते हैं, ये चीज़ कौन सिर्फ वो खुदावन कर सकता है जो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इन बच्चों के कुछ रिव्यूज़ लेंगे हम कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आज आए, और मैं चाहता हूँ कि कौन कौन सा जानवर उनको अच्छा लगा वो बताएंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे उधर से।
पूछेंगे नेहा आपने यहाँ पे आके कैसा अनुभव किया और कौन सा जानवर आपने यहाँ देखे थे सभी जानवर और उनमें से कौन सा जानवर आपको अच्छा लगा? टाइगर इनको अच्छा लगा और कैसा लगा आपको यहाँ आके? हाँ सुगीति से पूछेंगे हम, सुगीति आपको कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे, कैसा आनंद की बात हुई, बहुत मजा आया और कौन सा जानवर आपको अच्छा लगा? व्हाइट पीकॉक बहुत अच्छा लगा। गुड, हाँ जी आगे हमारी सिस्टर है उनसे पूछेंगे। मैंने कुछ भी नहीं देखा था, एलिफेंट मैंने देखा था बस, भालू मैंने देखा, टाइगर। सबसे अच्छा कौन सा जानवर लगा? टाइगर लगा, टाइगर को बहुत पसंद कर रहे हैं, टाइगर ही बहुत ही सुंदर था वहाँ पे देखने में। मिनी सिस्टर से पूछेंगे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने टाइगर। पिंकी सिस्टर से पूछेंगे, पिंकी सिस्टर आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? आपका बहुत बिजी शेड्यूल था क्योंकि आपका जो काम है वो किचन का काम होता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के आए। मम्मा को थैंक यू बोलना चाहती कि उन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मम्मा को थैंक यू। बिल्कुल मम्मा बिल्कुल आदर के योग्य हैं, हमारे हमारे अगवे हमारे दुगने आदर के योग्य हैं, उन्हीं का ही योजना थी कि सभी बच्चों को यहाँ घुमाया जाए। रिफ्रेशमेंट दे दी गई है सभी ने अपना जूस पी लिया है और सभी बच्चे आनंदित हैं। तो मार्फा सिस्टर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। प्रभु कितना महान है जो इतने अच्छे से मतलब हर चीज़ बना के रखा है ना, मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है और वो कोई बना भी नहीं सकता, इतना बहुत अच्छा। और मुझे वो व्हाइट पीकॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अपने आत्मिक भाई बहनों के साथ घूमकर तो बहुत अच्छा लगा। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे हैं सिस्टर ब्रदर बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन सबका दिल प्रभु में एक ही है, तो हम सब एक मन होकर जो प्रभु की हजूरी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद और मम्मा का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने बेटे बेटी की तरह रखा। थैंक यू सो मच। हाँ जी हम थोड़ा आगे चलेंगे, एवेंजेलिस्ट सिस्टर है हमारे पास, वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी आत्मिक माँ और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। सच में परमेश्वर की क्रिएशंस के लिए जो परमेश्वर ने क्रिएशन की हम आज उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मात्र बोल के जो पक्षी जानवर बनाए थे आज हमने उनको देखा। तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये देखने का मौका मिला और हमने एंजॉय किया यहाँ व्हाइट पीकॉक और रेनफॉल को। रेनफॉल सच में बहुत अच्छी थी और पूरे स्पिरिचुअल फैमिली के साथ हम आए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत क्रिएशन यहाँ पे रच रखी है और सृष्टि बनाई और सृष्टि में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स और बर्ड्स बनाए और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देख के, हमें बहुत आनंदित हुए सभी बच्चे। और आगे हम चलते हैं, सभी बच्चे जा रहे हैं अब हम प्रार्थना सबके जय मसीह की, आज हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे और मुझे सारे अच्छे लगे, पर रहने के एलिफेंट देखा मुझे बस। एलिफेंट आपको बहुत अच्छा लगा, हालेलुया। अब रिक्की जी हमारे जो साउंड को पूरा देखते हैं बहुत अच्छे प्रकार से, सारा मिक्सर और सारा रिमिक्स वगैरह करते हैं ये सारा, और बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने अपनी ड्यूटी को संभाल रखा है, इनसे पूछेंगे हम। और बिल्कुल हमारे जो साउंड के टेक्निकल हेड भी हैं ये, और ये बताएंगे कि किस प्रकार से इनको यहाँ आके आनंद की बात। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, हमने परमेश्वर की कुदरत को देखा जो परमेश्वर ने जानवरों को बनाया था, इधर मेरे इंडियन पॉट को देखा बहुत अच्छी लगी वो लोमड़ी। थैंक यू जी। और कुछ और हमारे यहाँ पे साथी हैं जो
चर्च से आए हुए हैं, उनसे भी पता करेंगे कैसा उनको यहाँ पे आके महसूस हुआ, कैसा उन्होंने अपने आनंद को यहाँ पे भरपूरी से महसूस किया। सारे भाई बहनों की जय मसीह। हमें आके यहाँ बहुत अच्छा आनंद लगा, बहुत से जानवर देखे, बहुत प्यारे प्यारे। हम अपने आदमी मम्मा करके निकल जय मसीह बोलते हैं, और पूरे भाई बहन में सबको प्रभु ने मुझे पहले ही दिखा दिया था दर्शन में, मतलब इस जगह जा रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाया मैं कह रहा क्या प्रभु मुझे दिखा रहा है। फिर बाद में तो यहाँ आने का पता लगा कि अच्छा प्रभु ये दिखाया, फिर मैंने धन्यवाद किया, बहुत खुशी हुई है सर। ये सब प्रभु की योजना थी जो आज मिली हुई है, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते इस बात के लिए। इसके कल्पनाएँ हमारे लिए बहुत गंभीर है। हालेलुया। सह सिस्टर हैं हमारे साथ, वो भी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जो हमने इस ज़ू में देखा, अलग अलग जानवरों को देखा। हम देखते हैं प्रभु ने हर जानवर को कितना अच्छा बनाया, प्रभु की सृष्टि, प्रभु की हर एक क्रिएशन प्रभु ने अपना पूरा मन लगा के बनाया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, हर एक जानवर इतना अच्छा बनाया कि मैं अपना एक फेवरेट भी उनसे नहीं चुन सकती। धन्यवाद। प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जितने भी चर्च के वॉलेंटियर हैं, लीडर्स हैं, हमारे पास्टर जी हैं और जितने भी और सभी जन हैं, वो पूरे यहाँ पे आए। और ये हमारे आत्मिक अगुओं की एक योजना थी, परमेश्वर की योजना थी कि किस प्रकार परमेश्वर हमें लेके आया यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि सभी ने पूरी तरह से आनंद की भरपूरी को चखा यहाँ पे आकर, परमेश्वर के जो अद्भुत जो सृष्टि बनाई है परमेश्वर ने, अलग अलग तरह के वृक्ष, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के पक्षियों को और जानवरों को बनाया और उनमें अलग अलग तरह के फीचरों को भरा। ये परमेश्वर ही कर सकता और किसी के बस की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर ये जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य है और सभी में जीवन जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया। हालेलुया। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और हम अपने आत्मिक अगुओं का भी धन्यवाद करते हैं, स्पेशली पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ आके हमारे इस ट्रिप के अंदर हमें बहुत अगुवाई की, हमारी हमें मार्गदर्शन दिया। जो बच्चों को जितना भी यूथ तक जवान उनको मैनेज करते हैं, जो भी हमारे यूथ कैंप्स होते हैं, यूथ हमारा बाहर जाते हैं बाइक राइडिंग पे, कोई भी ऐसा कैंप होता है, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ कर, अपनी ड्यूटी को समझ के परमेश्वर के काम को सबसे पहले करते हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मेरे सारे स्त्री मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, उन सभी का भी जो दिन और रात मेरे साथ मिनिस्ट्री में परमेश्वर की सेवकाई में दिन रात जुड़े हुए हैं और अपने ड्यूटी को, अपने काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया हुआ है। और परमेश्वर इनकी चाहत है कि और परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर का कार्य करें, सबसे पूरी टीम को परमेश्वर और ब्लेस करें। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत टेस्टी खाना बना। Thank you.